भारत सरकार की दिव्यांगों के लिए विशेष योजना एडीप के तहत रोहतास जिले के नासरीगंज प्रखंड मुख्यालय पर दिव्यांग जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन प्रखंड प्रमुख पवन कुमार, उप प्रमुख विकास सिंह, भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित कुशवाहा, मदन केसरी, शैलेंद्र कुमार सिंह, मुखिया चंदन कुमार सिंह ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। जिला बुनियादी केंद्र नासरीगंज के तत्वाधान में एडीप योजना के तहत दिव्यांगों की जांच कर उन्हें यंत्र देने के लिए डॉक्टर ने दिव्यांगों की जांच किया। जांच शिविर में दिव्यांगों की जांच कर उन्हें प्रयुक्त मशीनें उपलब्ध कराने की भी बात कही गई। वहीं कान के विशेषज्ञ के आने से बहुत लोगों को परेशानी हुई, इसको लेकर लोगों में आक्रोश भी देखा गया। इस अवसर पर डॉक्टर की टीम में हड्डी विशेषज्ञ डॉक्टर पीके कनौजिया व आंख कान व नाक के विशेषज्ञ डॉक्टर संजीव ने दिव्यांगों की जाँच कर उन्हें जाँच कर प्रमाणीकरण किया। दिव्यांगों के जाँच शिविर में निबंधन के लिए 4 काउंटर लगाए गए थे, जिसमें 4 दिव्यांगों को यंत्रीकरण देने के लिए एवं प्रमाणीकरण के लिए रखा गया था। इसमें विकास मित्र, पंचायत सेवक इत्यादि में निबंधन का काम किया। बिहार न्यूज के लिए रोहतास से राहुल मिश्रा की रिपोर्ट। दिव्यांगता शिविर लगा है, क्या क्या इसमें लोगों के लिए सुविधाएं की? हाँ, आज नासरीगंज प्रखंड में दिव्यांग भाइयों के लिए शिविर लगा हुआ है, जो भारत सरकार के हमारे नेता भाजपा नेता के सुजन से लगा हुआ है। इसमें सभी लोग को जो 80% से अभव हैं उनको ट्राई साइकिल मिलेगा इलेक्ट्रॉनिक, जो कमज़ोर है उनको बैसाखी मिलेगा, जो जिनका दांत टूटा है 60 साल से बेसी है उनका दांत की व्यवस्था है, जो बहरे हैं उनको ईयरफोन मिलेगा, सबका यहाँ सूचीबद्ध करके उसके बाद वो जाएगा, वहाँ से 1 सप्ताह के बाद सामान मिलेगा। कान के विशेषज्ञ चिकित्सक अब तक नहीं आए हैं, जिससे लोगों में आक्रोश है, इसको लेकर क्या है? हाँ, इसके लिए हम शिकायत किए हुए हैं डीएम साहब से। डीएम साहब अभी मुख्यमंत्री का प्रोग्राम था, हो गया, स्थगित हो गया है, और उसके बाद जो बात नहीं हो पाई उनको मैसेज हम कर दिए। चलिए,